हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षा भवन ओडिया दि एजुकेशनल ओडिया यूट्यूब चैनल। तो चलतु आज वीडियो में आलोचना करवा कि सप्तम श्रेणी विज्ञान बहर पंचम अध्याय जो पोषण पाठ अच्छी, तो पोषण जो जो विषय को भी आम आलोचना करवा, तो देखिए जहाँ जहाँ देखिए पढ़िया गोटे पर गोटे, ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ आम पोषण सेकेंड पार्ट भिडियोटी, जो मैंने मो फर्स्ट पी मैंने फर्स्ट पार्ट भिडियो को देखी ना, जैक डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दे दीजिए, आप जाके चेक करके देख नहीं पारे, ठीक अच्छे। तो वीडियो आरंभ करने पूर्व मुझे गोटे छोटे रिक्वेस्ट करुच्ची, जो जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा से मैंने ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, कहीं मु बारंबार मुझे कहूँ ए चैनल सप्तम अष्टम नवम एवं दशम पाठ गुड़ाक को अपलोड करुच्ची, ठीक अच्छे। तो वीडियो को देख सारापर वीडियो को गोटे निहाती लाइक करदे, आप लाइक भी करूँ खाली देखुं, आदि चाहूँगी एटा वीडियो को आप तुम सांग सहित वीडियो को शेयर करें, ठीक अच्छे। आउ गोटे कथे वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ, आप हाफ हाफ टिके टिके करके स्किप करके अन्य वीडियो को पलैबे तो आपठ पढ़ार किसी भी मूल्य रहा कि वीडियो को जब आप खाली वीडियो बोल के जब देखिए तो किसी हम ना, कारण यहाँ वीडियो नुह यहाँ आम पाठ एक्चुअली, ठीक अच्छे। तो चलत आरंभ करवा। तो फर्स्ट वीडियो रे आम पढ़ी कि शाकाहारी कौन बा क्यों जीव को आम शाकाहारी कहवा, सर्वाहारी क्या कहवा है ना, आउ पढ़ी क्या कौन ना आम जो जो शक्ति सृष्टिकारी क्या कहुए, जो जो उद्भिद गुड़ाक क्लोरोफिल सबुज कण धारणकारी मान धारण कर सबु सबुज उद्भिद कौन करती ना निजपाई खाद्य प्रस्तुत करती कि श्वेतसार जातीय खाद्य को प्रस्तुत करें, से श्वेतसार जातीय खाद्य को ही ग्रहण करके निज जीवन कौन ना शक्ति से जेनेट करती, ठीक अच्छे। एवं से ही श्वेतसार जातीय खाद्य को आमर जितके मान कौन आम सर्वाहारी अच्छा या मांसाहारी जितके अच्छा से मैंने से मूँ इनडायरेक्टली खाद्य ग्रहण करती है ना, खाद्य ग्रहण करके शक्ति आहरण करती, ठीक अच्छे। तो से कथा ही तो एबे पढ़िया कौन ना आमर जो उद्भिद माने केमिति खाद्य ग्रहण करती, अरे आम सर्वाहारी जदि जदि बाघ माने भालू या सिंह जदि माने हेतांते तो से माने डायरेक्ट आमर शाकाहारी मानक जेंती ठेकुआ हरण गाय बड़द मानक खाइके माने शक्ति पाती, किंतु गच्छ माने तो कोई कोड़ जानती नहीं, से मानकर पाटी नहीं, हाथ नहीं, किछि नहीं, अंतनाली नहीं, किछि नहीं, बट से माने केमिति खाद्य ग्रहण करती एवं से खाद्य रु शक्ति आहरण करती, से कथाटा को बहुत बढ़िया बुझा, ठीक अच्छे। तो उद्भिद पोषण, उद्भिद बोले कौन गच अटोमेटिक आम जानचे, पोषण बोले कौन मुझ फास्ट भिडर कही खाद्य ग्रहण रु शक्ति आहरण प्रक्रिया को पोषण कौचे, खाद्य खाइबा और से खाद्य रु जदि आमको शक्ति मिलूँ तो से ही टोटाल जो प्रक्रिया द्वारा यहाँ संभव हम से प्रक्रिया को आम पोषण प्रक्रिया कहवा, और पोषण को इंग्लीश में न्यूट्रिशन बोली कहुए, ठीक अच्छे, न्यूट्रिशन है। अच्छा तो जीवा ए प्राणी मानक परी उद्भिदर गोड़ हाथ पाटी ना, ठीक अच्छे। आम कौन ना गोटे गोटे प्राणी जेहतु आम प्राण अच्छे आम धाँ दुपड़ा सब करे, कि गच्छ तो कड़े धाँ दुपड़ा करें ना, जमी आम ये खाई पकाचे सेमती गच्छ तो कड़े खावाई जाए ना कि तार हाथ गोड़ पाटी ना, तो से केमी निजपा खाद्य जोगाड़ कैर से खाद्य से केमी शक्ति पाए है ना, बहुत इंटरेस्टिंग हाँ। तो वर्तमान प्रश्न है जे उद्भिद टीए खाद्य केउठर पाए, मुझे जे ये तो कुआडे जाए ना क्या तो मागे ना, तो खाद्य पाए केमती खाद्य खाई पारापर शक्ति पाए कौठ ना कि एवं किपर खाद्य संग्रह करे, सत कथा से खाद्य कुआडू जोगाड़ कै निजपाई है ना किए गए। तो देखते कैसे बढ़िया देखिए, साधारणतः तो मंजीर उद्भिदे जात हुए छोट पिला भी कह गुआड़ आईला है ना, ना मंजी अच्छी तेज मंजीर हिं से बड़ गई पाए है ना, गोटे बड़ गछर मंजीर बड़ गछ ही हम, छोट गछर मंजीर छोट गछ ही हम, जदि घास मंजीर घास ही हम, अंबा गछ आंबा गछ के हम ना, ठीक अच्छे। तो मटीर ताकू खाद्य मिलता है, अच्छा देखते जदि तुमको किए पचारा जो गछ को किपर निजर खाद्य पाए कह पड़ो जे से मटीर ताकू खाद्य मिलता है, खाली सब प्रस्तुत हो सारी खाद्य मिल न था, प्रस्तुत होगापी कि जिनस मिलता है। देखो आम बिलर धान गछर आमको डायरेक्ट भात मिल न था, कौन मिलता है ना चाउल मिलता है, से चाउल को लेकिन आम मॉडिफाई करुचे ताप देचे गरम करुचे बारंबार गरम करुचे, से चाउल कौन हो धान सरी चाउल रु भात होमें खाऊे, ठीक सेमती गछर गछ कौन कै ना मटी तलू तापाई किसी उपादान खोजे सी है कि नहींपर से कौन कै ना से उपादान को लेकिन से किसी श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत कैर से खाद्य को से ग्रहण करके शक्ति आहरण कै केमती देखते। पुणी आमे ता मूल रे खत सार ओ पानी देऊ ना दे था, हो कि नहीं
କ'ଣ କରୁଛେ, ଗଛ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଲଗେଇଛେ, ମନେକର କୋବି ସିଜନ୍ଟା ବର୍ଷା ସିଜନ୍ଟା, ମନେକର ମୁଁ କିଛି ବାଇଗଣ ଲଗେଇଛି, ବାଇଗଣ ଖାଲି ଲଗେଇଦେଲେ ସେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ହେଇକି ଫଳ ଦେବ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ, ବରଂ ତାକୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଭଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ତା ମୂଳରେ ଖତ ସାର ପାଣି ଏବଂ କିଛି ତାକୁ ରୋଗ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କୀଟନାଶକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ ହେଲା, ତ ଏସବୁରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଏ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଗଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଗଛ କ'ଣ କରେ, ତାର ଚେର ଯେତିକି ସବୁ ହେବା କଥା ସେ ଲମ୍ବିଛି ହେଲା, ଗଛ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବଡ଼ ଗଛର ଚେର ବହୁତ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛର ଚେର ବହୁତ ଛୋଟ ଅନ୍ତ୍ୟକା ବେଶୀ ଯାଏ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ମୋର ମନେକର ମାଟି, ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ଏଇଟା ମନେକର ଖତ ସାର ଯାହା ଯାହା ବି ଦେଉଛେ ହେ ନା ନାହିଁ, ତ ଇଏ ଖତ ସାର ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖତ ସାରରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗଛ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ମାନେ କ'ଣ ଉପାଦାନ, ତ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଏ ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇକି ଗଛର ଭିତରକୁ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କାରଣ ଚେର ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ମାଟି ଭିତରେ ଯେତିକି ଯେ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଜିନିଷ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଖୋଜିବ, ତା ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପାଏ ଗଛ ମାଟିରୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇବ, ହା କି ନାହିଁ, ଆଉ ଖଣିଜ ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ କିଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ସେ କହିଛି ନା, ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଆଉ ଉପାଦାନକୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ଭିତରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଆଉ ଗଛ ଉପରକୁ ସେ ନେଇଯିବ, ରାଇଟ୍, ଫଳରେ ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ସାର ଫାର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଖତ ଯଦି ଦିଆଯିବନି, ମନେକର ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ଲଗାଯିବ, ସେ ଗଛ ଶୁଖିକି ମରିଯିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ବହୁତ ଭଲସେ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାକୁ କିଛି ତା ଦରକାରୀ ଉପାଦାନ ଏବଂ କିଛି ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ସହିତ, ଯଦି ଜଳ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଖରାଦିନିଆ ଯଦି ଆମର ପଦାରେ ଶୁଖେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛଟା ଲଗାଇଦେବେ ଚାରାକୁ, ସେ ତ ଶୁଖିଯିବ ଶୁଖିଲାରେ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ତ ସେ କାହିଁକିନା ସେ ପାଣି ପାଇବନି, ଉପାଦାନ ପାଇବନି, ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗଛକୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ, ତ ସେ ପାଣିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଳରେ ବାହିତ ହେଇକି ବା ବହିକି ଗଛର ଉପରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗଛ କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ତା ପାଇଁ ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ିବ, ମାନେ ତାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲିବ। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ନୁହଁ କି, ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ କେଉଁ ସବୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇଥାଏ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଲବଣ ଆଇଛି ନା ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ, ତ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲବଣ ବା ତାକୁ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ମିନେରାଲ୍ସ ଦରକାର ହୁଏ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ମାଟି ତଳୁ ହିଁ ସେ ଖୋଜିକି ତା ପାଇଁ ନେଇଯାଏ, ତ ବାୟୁରେ ତ ଖଣିଜ ଲବଣ ନଥାଏ, ବରଂ ବାୟୁରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ହେ ନା, ତ ଅନ୍ୟ ବହି ପଢ଼ି ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ତାଲିକା କର, କ'ଣ ନା ଗଛ ମାଟି ତଳୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ, ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେ କହିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ହୁଏ ତ ସେ ଜାଣିବେ ନ ଜାଣିବେ, ହେ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ହର୍ଟିକଲଚର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର, ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଆପଣ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଲବଣ ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଆଗରୁ କହିଲେ କ'ଣ କିଛି ଉପାଦାନ ଆଉ କିଛି ଖଣିଜ ଲବଣ ସେ ମାଟି ତଳୁ ପାଏ, ହା କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେ କହିଲା ନୁହଁ କି, ଏଇଟା ପାଇଲା, ତା ସାଥେ ସାଥେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କେଉଁଠୁ ମାଟି ତଳୁ କି ନୁହଁ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ବାୟୁରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ାକରୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସେ ବାଛିବ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଗଛ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ନେଇଯିବ ସେ, ହା କି ନାହିଁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ପୋଷଣ ପାଇଁ ବୋଲେ କ'ଣ ସେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଭାବିବ, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିବ, କିଏ ଗଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏକତଃ ଜଳ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଏତେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆଉନି, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ନୁହଁ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା, ଆଉ ଏ ଉଦ୍ଜାନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମାଟି ତଳୁ ନେଇଯାଏ,
ठीक अच्छे डाली जातीय गछ गुड़ाक नाइट्रोजन फिक्सेसन जदि आम नाइट्रोजन साइकल जदि पढ़िया तो युवाक ईट आसव है कि नहीं जबखरजान तेणु यही उपादान गुड़िक को आम पोषक बोली कह पोषक पदार्थ देखो ये कौन हो जो जीव मध्य पोषक को ग्रहण कर कि निजर शक्ति आहरण कैर ताक पोषण कह जाए कि पोषण रु सरी हाँ ये जो पोषक को ही पोषण कह जाए पोषक को पोषण कह जाए ना बर पोषक देखो ये देखो पोषक आईला हाँ कि सरी ये कौन हो जो छोट छोट उपादान गुड़ाक को आम ए गोटे जीव जो निजर खाद्य प्रस्तुत करने जो छोट छोट उपादान गुड़ाक व्यवहार कला है कि ना जमी जल मनकर यहाँ क्या यहाँ खनिज लवण यहाँ मन अंगारकामल यहाँ मन सूर्य आलोक आईटा मन जबखार जान तो ये गुड़ाक हूँ गछपाई गोटे गोटे पोषक पदार्थ है कि नहीं छोट छोट पोषक को लेकिन से कौन कै ना निजपाई शक्ति सृष्टिकारी खाद्य को से सृष्टि कै है कि नहीं तो ये गुड़ाक को आम पोषण प्रक्रिया बोली कह गोटे अर्थ बुझा पड़ा कि ना तो पोषक गुड़िकर आहरण और खाद्य प्रस्तुति रे विनियोग को सामग्रिक भाव उद्भिदर पोषण कहुए कौन है ना ये जो पोषक आईला जो छोट छोट उपादान गुड़ाक आम पोषक कहले जहाँ को गछ निज दरकार नहीं जाऊँ ग्रहण करुच्ची तो से पोषक गुड़िकर आहरण से पोषक को खाइबाटा है कि नहीं आहरण बोले कौन से तार से हम कि इनटेक कर ग्रहण कर वो खाद्य प्रस्तुति रे विनियोग को एवं ताकु खाद्य प्रस्तुत करने जो यूज कला ये टोटाली प्रोसेस को आम एकाठी कौन कह पोषण बोली कह जदि गछ नहीं करुच्ची उद्भिदर पोषण बोली कह बुझा पड़ा कि डेफिनेशन हूँ यही एक्चुअली जो पोषण कौन जदि आमको कहीं पचारे तो आम कह कौन ना गछ ता दरकारी उपादान गुड़िक को कौन ना बा पोषक पदार्थ को ग्रहण करके विनियोग करके से जदि किसी निजपाई शक्ति सृष्टि कर पारे यहाँ जो प्रक्रिया संभव हो प्रक्रिया को आम पोषण प्रक्रिया बोली कह बुझा पड़ा कि जदि बुझा पड़ूनी भिडियो को आग पछ कर बुझीपर ठीक अच्छे तो देखो ये जो गछटा गोटे देला नुह कि यहाँ मोर जी चिन्ह देर यू तल को मटी तो मटी भितर ही रहती आम चेर गुड़ाक ये जगह रही तो गछ मटी तलू केपादान गुड़ाक ग्रहण करुच्ची तो से जल खनिज लवण आ कि जबखारजान को सी कौन कैना ग्रहण कै ठीक अच्छे तो ये गुड़ाक हूँ गोटे गोटे तार पोषक पदार्थ एवं वायुमंडल रु गछ कौन कैना अंगारकामल को ग्रहण कैं ये चार्टा को मिसेकि सीए कौन कै ना ग्लुकोज जातीय खाद्य से प्रस्तुत करे ग्लुकोज जातीय खाद्य या श्वेतसार जातीय खाद्य से प्रस्तुत करे बुझा पड़ा तो देखो एतक से नेला किंतु हेले भी बिना आलोक कौन सी खाद्य खाद्य रु शक्ति सृष्टि हो पारे कौन दरकार ना आलोक दरकार जमी आम खाली चाउल डाली जहाँ जहाँ भी जो पानी बसईदे से कौन भात हो जाए कि ना ताकि कौन दरकार ना निया दरकार हाँ कि नहीं उताप दरकार चूली दरकार से सेमती गछपाई मध्य कौन ना आलोक आवश्यक बिना आलोक गोटे गछ निजपाई खाद्य प्रस्तुत करपे ना तो ये देखिया उद्भिदर खाद्य प्रस्तुति केमी से खाद्य प्रस्तुत कै आम पढ़ले कौन ना जे केपादान गुड़िक को गछ ग्रहण कैंठू ग्रहण कै है कि नहीं कितु पढ़ी ने केमी से गुड़ाक को नहीं से खाद्य प्रस्तुत कै है कि नहीं तो ये पढ़ा एगुड़ाक तो से ग्रहण कला कि खाद्य बनैब केमी ठीक अच्छे तो जो प्रक्रिय से खाद्य बनाए से प्रक्रिया को आम कौचे आलोक श्लेषण प्रक्रिया बा इंग्लीश रे फोटोसिंथेसिस कह थांते है कि नहीं तो जदि कहीं पचारे आपण को जे गछ केउं प्रक्रिया द्वारा निजपाई खाद्य बनाए आपण जोर रे कहि परिबे आलोक श्लेषण प्रक्रिया माध्यम रे ठीक अच्छे तो ए आलोक श्लेषण कौन चलत पढ़िया देखु कौ कौ उपादान दरकार गछपाई खाद्य बने बा खाद्य रु शक्ति बनवाई ना एक तो जल खनिज लवण है ना ना कौन ना जबखारजान ताते साथ कि अंगारकामल अंगारकामल को आम सी ओ टू बोल कि पढ़िया है ना तो देखो से कथा को नहीं सी केमी खाद्य बनैब तो खाद्य बनवाई कौन कौन अच्छे आम जमी चूली अच्छी तसला अच्छी जहाँ जहाँ भी अच्छी चटू अच्छी ठीक से गचर के जिनस गुड़ाक कम लगुंट है ना तेब आस जाणवा नु कि कौन जाणवा ए आलोक श्लेषण कौन से जाणवा सबुज उद्भिद मटीर संग्रह करुवा जल खनिज लवण और पत्र द्वारा वायु संग्रहित अंगारकामल को केउठी विनियोग करे
सत कथा आम पर आणुचे मार्केट रू चाउल आणुचे मार्केट रू काठ कि चूल्ला जहाँ भी व्यवहार करुचे किंतु खाद्य बनाऊे गोटे जगह को नहीं कि हाँ कि नहीं तो देखते ये मनकर मुझे चाउल आनिली ये मुझे तेल आनिली ये मुझे लुण आनिली जहाँ जहाँ मुझे लुण आनिली घर को आनिली हाँ कि नहीं से आणु आणु भात या खाइबा जिनस बनी जाए कि ना ताकू पुनी कोटे ना कोटे बस कि प्रोसेसिंग माध्यम रे खाद्य बना जाऊँ हाँ कि नहीं ठीक सेमती गच्छ कौन कर आमर खनिज लवण जल जहाँ जहाँ भी जहाँ जहाँ भी जहाँ जहाँ भी सी कौन कला ना विभिन्न आड़ संग्रह करी सी रोसई घरे बन हाँ कि नहीं तो गच्छर रोसई घर कौटा ताल जोटी की खाद्य बनुच्च आ शक्ति पाँच सी हाँ ना नहीं बहुत बढ़िया तो सी कौन कर से ही जल एवं खनिज लवण क्यों बाटे सत कथा क्यों बाट दे गच्छर विभिन्न अंश में पहुँचे से एक सरल परीक्षा कर सत कथा एवं देखो यहाँ मोर गच्छ गच्छ यहाँ मोर चेर रही बाबा है तो यठू मोर कौन कला ना कौन कौन आसा जल आसा खनिज लवण आसा आउ जबखारजान आसा आपटू मोर कौन आसा ना अंगारकामल इंग्लीश में सीओ टू आसा रईट तो यहाँ जो आसे ये चेर बाट दे आईले तो ये कौ बाट दे गले आउ पर्यंत गले ये कौन तार से हीगला कि ये तो विभिन्न पत्र को लेकिन गच्छ हो ना पुणी तो ये एक्चुअली कौन होगा सीओ टू जो अंगारकामल सरी अंगारकामल जो वायुमंडल आणला से पत्र को नब आउ ये पटू जो आसे आम जल कि खनिज लवण ये मैंने गोटे नला अच्छी जहाँ जाइलेम कहुए आगे जाइलेम जो अच्छी जाइलेम नली जाइलेम द्वारा आम आसिक पहुँचे पत्र पत्र अच्छी एक्चुअली कौन ना गोटे रोसई घर जहाँ को आम स्तम कह कौन स्तम इंग्लीश या कौन ना स्टमाटा कहुए स्टमाटा ठीक अच्छे तो ये हूँ गच्छर गोटे रोसई घर जोटी गच्छाई खाद्य प्रस्तुत हम कौटे स्तम ना पत्र अच्छी प्रत्येक सबुज कलर धारी पत्र गुड़ाक स्तम थी स्टमाटा थी जो जहाँ द्वारा गच्छ निजपाई खाद्य प्रस्तुत करें ठीक अच्छे तो ताकि गोटे कौन बा एग्जांपल कर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करवा गोटे गच्छे केमी विभिन्न खाद्य उपादान गुड़ाक गच्छे पहुँचती ठीक अच्छे बहुत बड़ एग्जांपल हाँ बा एक्सपेरिमेंट गोटे तो एथिपाय कौन करा पड़ो ना गोटे गच्छ आने को पड़ो कहीं गच्छे जदि खाद्य जाऊँच तो गच्छक आने को पड़ो ना तो गोटे हरगोरा गच्छ उपाड़ी मूल को परिष्कार कर धोई दि एवं वर्षा सीजन जेहेतु तो हरगोरा गच्छ आराम से मिल जाए आपको है ना जार पत्र टी सर सरु हम सरु सरु पत्र हम आपंकर फुल धला हम ला एमती दुई प्रकार फुल से अच्छी दुई प्रकार गच्छ भी अच्छे हरगोरा गच्छ और टी जस्ट पतला होके डेगा डेगा देखा ठीक अच्छे गच्छे कि धला भाया आसव तो हरगोरा गच्छ कहुए जो आप चिनी ना आप पचारि पारे जदि वीडियो जदि गच्छ मत को बाहर मिल जाए तो मुझे अपलोड करी एटा हरगोरा गच्छ वगैरह वगैरह बोलिए ठीक अच्छे तो गच्छ कौन करना उपाड़ी आनब एटा मनकर भावनी मोर गच्छा को मणिली तो चेर थी तो ये मटी भी थिला तो या कौन करी मुझे चेर रु संपूर्ण अलग करी सफा करी ताको सफा करके धोईदेली एवं एक ग्लास रे किसी रंगीन पा गोटे आचुवाला या कि पा कलर पा को मुझ कौन कर गोटे ग्लास रखी यहाँ मोर ग्लास काच ग्लास हाँ तो ये मुझे रखिली पा लाल पा रखी कहीं लाल है आम गचर उपरको जीवाड़ा सब देखा है ना से जो लाल पा रखी कौन कली मुझ हरगोरा गच को ये बुड़ी रखिली यहाँ मोर हरगोरा गच रईट यहाँ मुझे बुड़ी रखिली आमती रखी जो तार गचर चेर जाक सब कौन ना पानी बुड़ी रीक अच्छे तापर ग्लास गच्छ को खरार कि समय रख लक्ष्य कर घटना कौन हो जो ग्लास घर गोरा गच्छ धोक रखिली नाली पानी थी ग्लास नहीं मुझे समय बाहर रखी ठीक अच्छे एवं क्यों बाट दे रंगीन पा गच्छर क्यों अंश को जाइए अच्छा यहाँ मोर कौन ग्लास ये मोर पा था यहाँ मुझे हरगोरा गच्छ रखीदे कि समय बाहर रखिली हाँ कि नहीं तो मुझे समय पर देखा पाइबि जो रंगीन पाटा नाला कि रंगीन पा कौन कर गच्छर भितर को प्रवेश करवेश पहुँची कौन आम गच्छर पत्र पहुँची तो यठू मत क्लीयर है क्लीयर होगा पड़ा जे गच्छर कौन है ना ये लाल पाटा जा हाँ कि नहीं लाल पा जा अर्थ मन को लाल पा होना मतलब जना पड़ा गच्छ एमती फ्लो हुए हाँ कि नहीं तो आगर मतलब जना पड़ ना कहीं पानी कलर धला था कि नाली पा हो जानी नाली पा आगे ना एवं जा कि नहीं तो से कथा को जानापी ही आम एक्सपेरिमेंटा करने को पड़ा तो यही परीक्षार जना पड़े जे मूल द्वारा संगृहित जल ओ द्रवीभूत खनिज लवण मूल रू कांड शाखा प्रशाखा दे पत्र पहुँचे बहुत बढ़िया कथा अच्छा
माने गच्छरे पानी केउठारु केउ माने केउठाकु जाए एटा मन कर मोर गच्छ हरगोरा गच्छ मु जेबे नैथिली आ एटा हला मोर ग्लास एटा मु पानी एतिकी भरकी अछि एटा मोर गच्छर चेर सब बुड़ी के अछि नै त मते किछ समय पर देखिया को कोन पाइली ना मु पाइली जो जो ग्लास रे रंगीन पानी थिला से रंगीन पानी कोन करै छि ना गच्छर ए पर्यंत सब पहुँची छि हो कि नै मैंने रंगीन पानीटा मोर जाए कि ए पर्यंत आराम से पत्र पर्यंत खेले हो पहुँची छि तो मु कोन जान ली तो ए गुड़ाक गच्छर मूल एटा कि नहीं गच्छर मूल चेर जोड़ू आरंभ मूल कहा जाए गच्छर मूल रू कौन है ना धीरे 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 है शाखा प्रशाखा हाँ कि नहीं एटा मोर कांडटा आईटा मोर शाखा प्रशाखा जो डाल फाल हो तो शाखा प्रशाखा कह तो मूल रू कांड देखो एटा मूल एटा कांड आईटा है तार शाखा प्रशाक तो गच्छर 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 पानी आम एमती चेर रु कांड कांड शाखा प्रशाक पर्यटन पानी उपरकू लंबी हाँ कि ना कहीं पा तलर उपरक जाए कहीं गच्छर तल जिनस को पाने बुड़े थे हाँ कि नहीं तो मूल रु देखते कौन है मूल रु पत्र पर्यटन लंबी थी समाही नली फ्लोएम कहती ना फ्लोएम नामक गोटे नली अच्छी गच्छर जो माने जीए कि पानी को बोहिबारे साहाज्य करे ठीक अच्छे फ्लोएम फ्लोएम आपन एटा मन रखिबे फ्लोएम नली है ना खाली इंग्लीश रे देछि जाको इंग्लीश माने संवाही नली बोले कह जाए फ्लोएम दे यही पोषक गुड़िक प्रवाहित हो थाए देखो तो पोषक देछि पोषण देनी है कि नहीं जदि आम जो जल जो बहिकला खनिज लवण आसला जबखारजान आसला ये गोटे 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 जिनस को आम पोषक पदार्थ कहचे है कि नहीं पोषक पदार्थ को लेकिन से जो शक्तिकारी शक्ति प्रदानकारी खाद्य को बनाऊँ से प्रक्रिया को आम पोषण बोले कहचे है ना संवाही पेशी गुड़ी को नहीं यही संवाही नली गठित होता है ये जो फ्लोएमटा अच्छी एक्चुअली कौन ना ये किसी पेशी वमर किसी गच्छर भी किसी पेशी मैंने अच्छा मांसपेशी तो मनीष शरीर हुए या आम प्राणी शरीर हुए किंतु किसी पेशी मैंने अच्छा मसल्स मैंने ये मसल्स मानक नहीं ये फ्लोएमटा तैयारी जहाँ फल गच्छर पानी उपरको परिवाहित होगापर साय कै ठीक अच्छे यहसह पत्र निज पृष्ठ अति छोट रंध्र कणा दे वायुमंडल अंगारकाम मानने अंगारकाम संग्रह कैसे यह स्तंभ कह जाए हाँ पत्र यहाँ मोर हाँ ये भी किसी हल्स अच्छा हल्स अच्छा देखते मुझे चित्र प्रपर चित्र करदेवि यहाँ कौन मोर पत्र सरी यहाँ मोर पत्र रईट पत्र है सरी यहाँ भी पत्र है अच्छा भाभी ये मोर पत्र हो गला हैला मोर पत्र पत्र तो ये गुड़ाए स्तम मान अच्छा इंग्लीश रे स्टमाटा मान अच्छा यार आकृति केमी देखूँ ना एमती है ठीक अच्छे ये स्टमाटा जिते स्टमाटा जो खरा पड़े ये स्टमाटा पूरा ओपेन हो जाए ओपेन कौन होना ए बाट देखिए अंगारकाम्ल भर को प्रवेश कै एवं जो अंधार हो जाए स्टमाटा क्लोज हो जाए स्टमाटा बंद हो जाए अंगारकाम्ल को सी ग्रहण कै ना बर अम्लजान ग्रहण कै नुह कि कौन हुए ना रात सी खाद्य केवे प्रस्तुत कै ना गच बरम कौन करे ना दिन में जूस खाद्य प्रस्तुत करके रखी से खाद्य को ही से विनियोग कै यूज कै ठीक अच्छे तो गोटे गचरे हजार हजार किए ना स्टमाटा सब था ये गुड़ाक जो रंध्र है कि ना जो रंध्र बाट दे कि जल जाए गोटे पत्र अंगारकाम गच भर को प्रवेश कै है कि नहीं तो मोर पत्र यहाँ अच्छी यहाँ पत्र तो यहाँ मोर स्टमाटा गोटे अच्छी मुझे बड़ कर चित्र करदे तो ये स्टमाटा दे कि कौन कै ना जल कणा वायुमंडल को जाए आ कि अंगारकाम्ल गचर भर को प्रवेश कैं एमती प्रक्रिय से कौन कै ना निजप खाद्य प्रस्तुत कै ठीक अच्छे तो एबे पढ़िया कौन ना केमी कौन सब हो नुह कि ए पर्यंत आम पढ़ले कौन ना गच निजप जल खनिज लवण और जबखारजान निए आयुमंडल अंगारकाम्ला एतिक पढ़ले एबे पढ़िया से केमी ताकि से खाद्य प्रस्तुत करुच सबुज पत्र कषरे हरित लवक सबुज कणा थाए सबुज पत्र गच गच सबुज देखा जा मैंने सबुज पत्र को नहीं या तो सबुज पत्र गुड़ाक कौन कौन था ना हरित लवक इंग्लीश रे क्लोरोफिल कह जाए जहाँ सबुज कणा उड़िया कहा जाए ठीक अच्छे सबुज कणा गुड़ाक सब था सबुज कणा सूर्य लोक रु शक्ति आहरण कै गोटे यहाँ मन कर मोर पत्र अच्छी है ना
पत्र कौन करिवो ना जेतले पत्र ऊपर सूर्य किरण पड़िवो तो ये जेतु पत्र रो सबुज कणा अछि तो ये सूर्यर आलोक शक्ति को से ग्रहण करिवो जेमति हमकु चुली रु निया दरकार होची सेमति ये ताप ग्रहण करिवो ताप जदी होबो नि से खाद्य प्रस्तुत होई पारिवो नाही खाली रे से जळाइबो जळ हेकि रहिबो अंगारकामळ हेकि रहिबो नहुजे सौर शक्ति को विनियोग करी पत्र अंगारकामळ एवं जळ को मिसै से तो सर खाद्य प्रस्तुत करे घटना कौन होला ये जो पत्र रे जो स्तम अछि है ना नाही आ पत्र रे सबुज कणा मध्ये अछंती तो ये कौन करिवो ना जल को मिसेइबो कहा सह ना अंगारकामळ सह एवं से कौन ना श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिवो एबे क्लियर हला गछ का काकु ने खाद्य प्रस्तुत करूची ना एक तो जल है कि नहीं आउ सीओ टू सरी मुझे लिखिदेवी जे एच टू ओ को आम जल बोले कहे ना तो एच टू ओ एवं सीओ टू ए दुटा उपादान को कौन करुच्छे सीए ना सबुज कणा सबुज कणार ताप को विनियोग करके से निजपाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करुच्छे है कि नहीं प्रक्रियाटी रे आलोक शक्तिर विनियोग होउथिवारु एहाकु आलोक श्लेषण कहा जाए आलोक श्लेषण हो कि नहीं काहीकि ना ये जो प्रक्रिया रे जो गच्छ जो अंगारकाम्ल जल को नहींक जो खाद्य प्रस्तुत कला श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत कला यही प्रक्रिय मान आलोक मान कौन विनियोग हेतु ए प्रक्रिय संभव होउथिवारु एही प्रक्रिया को आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहगला आउ ये आलोक शोषण प्रक्रिया द्वारा ही गोटे गच्छ कौन ना निजपाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे है कि नहीं से निजपाई खाद्य प्रस्तुत करे किए ना सबुज उद्भिद कहीं पाखे सबुज कणा थाए बोलिकी मनुष्य मानक या प्राणी मानक ये सबुज कणा न थाए बोली से माने निजपाई खाद्य प्रस्तुत करपारती ना खाद्यपाई अन्य प्राणी या उद्भिद से माने निर्भर करती ठीक अच्छे ना तो पत्र खाद्य उद्भिदर विभिन्न अंश को परिवाहित हुए एवं तहार वृद्धि एवं विकास रे सहाय्य करे घटना कौन है गोटे गच्छ अच्छी एटा मोर ए गच्छ नुह कि तो गच्छर कौन है ना पत्र अच्छी सबुज कणा थी पत्र गुड़ाक आ तलपुट कौन कला ना से जल एवं खनिज लवण नेला वायुमंडल से अंगारकाम्ल नेला है कि नहीं से पत्र कौन कला ना सूर्यलोक को उपयोग करी व्यवहार करके निजप श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत कला तापर जोड़े प्रस्तुत कला सीटे खाली जदि खाद्यटा रही तो चेर केमी मानने कौन इम्प्रूव हम ग्रोथ बढ़ केमी तो से चेर पर्यंत से श्वेतसार जातीय खाद्य कौन कर चेर पर्यंत आसिक पहुँचव एवं से जहाँ मध्यम पहुँचव जो नला मध्यम पहुँचव से नलार ना हो कौन ना फ्लोएम ठीक अच्छे फ्लोएम ये आगर गोटे देखा कड़े गला हाँ फ्लोएम फ्लो एक्चुअली एटा से मत एक्चुअली कौन होना जाइलेम मध्यम जल परिवहन हम चेर ऊपर को एवं खाद्य कौन कर फ्लोएम मध्यम परिवाहित हम गच्छरे खाद्य तैयारी है ये गच्छ विभिन्न मानने गच्छर विभिन्न अंश को परिवाहित होगापी आमर किए अच्छी ना फ्लोएम अच्छी ठीक अच्छे एवं जाइलेम कौन पाई ना चेर चेरु जल एवं खनिज लवण पत्र पर्यंत परिवाहित होवारे सहाय्य करिवो एमती दुईटी जिनस अछि दुईटी नळे गोटे जाइलेम आ गोटे हला तार फ्लोएम ठीक अछि आई होप ए भिडियो बुझा पड़ा भल भी लगे जब भल लगे गोटे भिडियो को लाइक करदे जब चाहते अन्य भी भिडियो को देखु भिडियो को सेयार कर चैनल नुआ सब्सक्राइब कर दिंतु थैंक यू सो मच देखा अलग भिडियो।